हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आनंद पांडे और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बोल्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद होगी कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं वो अक्सर आते ही रहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन किसी में भी आ जाता है। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन में आजकल इसके क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम स्क्वायर रूट निकालने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक सीखेंगे। जी हाँ, आज हम स्क्वायर रूट निकालने की बहुत ही शानदार ट्रिक सीखेंगे, जिसके थ्रू आप स्क्वायर रूट हार्डली 4 to 5 सेकेंड्स में आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए हम चलते हैं अपने काम पे। आइए, सबसे पहले मैंने आपके सामने ये नंबर्स लिखे हुए हैं। ये इस नंबर 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स का ये टेबल है। आइए देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और इस तरह करके 9 का स्क्वायर 81 है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है? हमें चाहिए यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या चाहिए? यूनिट डिजिट। मेरा ये टेबल लिखने का मकसद ही क्या है? यूनिट डिजिट निकालने का। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 का 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का यूनिट डिजिट क्या है? 6 है, 5 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, 6 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 है और उस तरह 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट आपका 1 है। ठीक, अब हम बात करते हैं आपका जो हमारा मेन मुद्दा है, स्क्वायर रूट। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूं एक नंबर आपके सामने 9801। मुझे इसका निकालना है स्क्वायर रूट। पहले मेरी बातों का आप बहुत ही ध्यान समझ लीजिएगा, फिर आपका सारा कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। 9801 हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें हम कैसे अप्रोच कैसे करते हैं? हमें इसमें राइट हैंड साइड से हमें इधर बढ़ना होता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम लास्ट के दो नंबर का हम एक ग्रुप बनाते हैं और इसका रिमेनिंग जो नंबर है उसका अलग ग्रुप। ठीक, लास्ट के दो नंबर को हम एक ग्रुप बनाते हैं और जो बच जाता है वो अलग ग्रुप। ठीक, अब हमें क्या देखना है, तो हम ये जो हमारा जो लास्ट का जो 2 डिजिट है इसमें हम जो यूनिट डिजिट जो इसका है, जो इसका जो यूनिट डिजिट है जो कि 1 है, हमें बस वो चीज से मतलब रहता है। ठीक है ना, हमें बस यूनिट डिजिट से मतलब रहता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे और इसके ये जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट के आपके दो आपके स्क्वायर्स के नंबर आएंगे इसमें। ठीक, कैसे? 1 जो है, आप ये देखिए 1 आपका किसके स्क्वायर में आपका 1 आ रहा है, तो 1 आता है हमारा एक 1 के स्क्वायर में और एक 9 के स्क्वायर में। ठीक है, तो 1 हमारा किसके स्क्वायर में आता है? एक 1 के स्क्वायर में। ठीक, और दूसरा आता है आपका 9 के स्क्वायर में। अब फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक बात उठेगी कि मुझे ये टेबल भी ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर ये टैली भी करना पड़ेगा, मुझे मैच करना पड़ेगा कि जैसे इसमें देखना पड़ा कि 1 किस में आया, 1 1 में आया और 9 में आया, तो फिर टेबल भी ध्यान रखे रहो। तो मैं कह रहा हूँ टेबल ध्यान रखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेबल ध्यान ही क्यों रखना है? टेबल बस हमें ध्यान रखना है कैलकुलेशन पर्पज से, इस चीज़ के लिए हमें टेबल ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, आइए देखते हैं। मैंने कहा कि 1 जो है हमारा 1 के स्क्वायर में आता है। ठीक, अब आपको निकालना है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर रहेगा जरूर, अब निकालना है दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर आप कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, इसको 10 में से आप माइनस कर दीजिए, 10 में से माइनस कर दीजिए, तो 10 - 1 आपका आ जाएगा 9। ठीक, तो दूसरा नंबर आपका ऑटोमेटिकली ये निकल गया। तो ये बात है आपका यूनिट डिजिट का। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारा रिमेनिंग नंबर जो बच गया उसकी। तो रिमेनिंग नंबर हमारा जो है ये 98। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। 98 जो है, अब यहाँ पे इस टेबल का काम आएगा। 98 जो है, 98 हमारा किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है? तो यहाँ टेबल में देखिए 98 हमारा 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में आता है। अरे भैया, 9 स्क्वायर आपका क्या हुआ? 81 और 10 स्क्वायर आपका हो गया 100। ठीक है, तो 98 हमारा 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, हमें चाहिए
हमारा देखिए, यहां से ये जो निकला ये हमारा यूनिट डिजिट निकला है। हमारे नंबर जो आएंगे ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट, ये हो गया हमारा टेंस डिजिट। ठीक, तो यूनिट डिजिट पे हमको पता है कि या तो वन आएगा या फिर नाइन आएगा। ठीक, अब हम यहां पे बात कर रहे हैं टेंस डिजिट के लिए। ठीक, तो करना क्या है, 98 हमको पता है 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में आएगा, तो टेंस डिजिट हमें निकालना है। हम टेंस डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, इसमें हमेशा हम जो छोटा वाला जो नंबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जो छोटा वाला नंबर रहता है हम हमेशा उसी को ही टेंस डिजिट लेंगे। ठीक, क्या टेंस डिजिट, तो 9 हमारा क्या हो गया, टेंस डिजिट, ये हो गया पक्की बात, टेंस डिजिट हो गया हमारा क्लियर। अब हम बात करते हैं यूनिट डिजिट का, तो यूनिट डिजिट के हमारे पास या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, या तो 91 हो सकता है या फिर 99 हो सकता है। अब यहां पे आ गई है दिक्कत कि कौन सा होगा भाई, 91 होगा या 99 होगा, तो कैसे चूज करें, उसका भी एक तरीका है। क्या तरीका है बताता हूं, फिर से आ जाइए आप इस वाले स्टेप पर, 98 इन बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। तो हमको निकालने के लिए क्या करना है, आप जो ये 9 और 10 है आप इसका कर दीजिए आपस में मल्टीप्लीकेशन, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 आपका क्या आ गया, 90। तो करना कुछ नहीं है, हमको अगर पता करना है कि हमें कौन सा ये नंबर लेना है तो क्या करना है, जो हमारा ये प्रोडक्ट जो आया 90, इसको हमको कंपेयर करना है इस 98 से। 98 कौन है, जो हमारा ये दो डिजिट के अलावा जो नंबर जो हमारा बच गया था, ये हमारा रिमेनिंग नंबर है, मैं लिख दे रहा हूं, ये हमारा रिमेनिंग नंबर है। ठीक, तो जो हमारा रिमेनिंग नंबर जो है 98, जहां इस क्वेश्चन में 98 जो है ये हमारा 90 से बड़ा है। ठीक है, 98 हमारा 90 से बड़ा है, तो चूंकि ये बड़ा है तो इसलिए हम हमेशा बड़ा नंबर लेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा 99 आंसर। समझे फ्रेंड्स, 9 का तो आपको क्लियर था टेंस डिजिट का, इसका क्या है, इसका मैंने बताया कि आप 9 और 10 जो है आपका यहाँ पे आप उसका कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 90। ठीक, अब क्या करना है, जो रिमेनिंग नंबर था इन दो नंबर को छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग नंबर बच रहा था, उस रिमेनिंग नंबर को हमको इस प्रोडक्ट वैल्यू से कंपेयर करना है। तो रिमेनिंग वैल्यू जो हमारी है वो प्रोडक्ट वैल्यू से यहाँ पे क्या है, बड़ी है, तो अगर बड़ी है तो इसलिए हम बड़ा लेंगे, अगर रिमेनिंग वैल्यू हमारी छोटी होती तो फिर हम छोटा नंबर लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा आंसर आया 99। अब चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आप आराम से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर ढेर सारे प्रैक्टिस करिए, आपको जो डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर आपके डाउट्स का मैं हल करूंगा। अब स्क्वायर रूट का ट्रिक्स हम लगाते हैं एक और नंबर पे, आइए तो मैं बात करता हूं आपका दूसरे नंबर की, लेट्स से 6084 हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो मैंने क्या बोला, लास्ट के दो डिजिट आप लीजिए। ठीक, लास्ट के दो डिजिट में हमें इसका पकड़ना है यूनिट डिजिट, लास्ट के दो डिजिट लेने का मतलब ही होता है कि हमको इसका यूनिट डिजिट पकड़ना होता है। ठीक, उसका सेंस ये होता है, तो 4 4 आप देखिए किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, मतलब यूनिट डिजिट 2 में आता है, तो एक हो गया आपका 2, क्योंकि 2 के स्क्वायर में 4 आता है। ठीक, अब अगला एक और नंबर होगा जिसमें आपका 4 आता हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, 10 से हम इसको माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, तो 4 आपका किसके किसके में आएगा, एक आपका आएगा 2 में और दूसरा आएगा आपका 8 में, चेक कर लीजिए ना, 2 में 4 आएगा और आपका 8 में 4 आएगा। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, अगला निकालने के लिए आपको 10 से माइनस करना होगा पहले वाले से, तो अगला अपने आप निकल आएगा, टेबल रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक,
यहाँ पे अब फंडा आपका यूनिट डिजिट का भी स्टेप क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं टेंस डिजिट निकालने के लिए। जैसा कि हमने सीखा, तो हमारा ये जो रिमेनिंग नंबर है, हमारा रिमेनिंग नंबर क्या है? 60। 60 हमारा किसके किसके बीच में आता है? 60 हमारा आता है 49 और 64 के बीच में। अरे 49 भैया क्या है? 7 स्क्वायर और आपका 8 स्क्वायर। ठीक, तो मैंने क्या बताया, टेंस डिजिट के लिए हमेशा हम ये जो छोटा वाला नंबर है, हमेशा हम उसी को लेंगे। तो हमारा टेंस डिजिट क्या हो गया? 7। इसका फंडा क्लियर। ठीक, अब हमारा लफड़ा है यूनिट डिजिट के लिए। तो यूनिट डिजिट या तो हमारा 2 होगा या 8 होगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है उसके लिए? मैंने बोला था कि अब हमें करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 और 8 का मल्टीप्लाई। 7 इंटू 8, 56। ठीक है, अब हमारा ये हमको इस रिमेनिंग नंबर को कंपेयर करना होता है 56 से। ठीक, तो रिमेनिंग नंबर हमारा क्या था? 60। 60 हमारा 56 से बड़ा है। ठीक, तो चूंकि हमारा ये जो रिमेनिंग नंबर है, ये इस प्रोडक्ट वैल्यू से 56 से बड़ा है, तो इसलिए हमारा यूनिट डिजिट क्या हुआ? 8। ठीक, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 78। ठीक, ये इसका हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक, आइए एक और नंबर लेते हैं, थोड़ा इससे बड़ा नंबर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन एक बार आप सीख जाओगे तो ये एकदम बस चुटकियों की बात है। ठीक है ना, अब आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं बोलता हूं 1 2 5 4 4, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो बस लगा देते हैं वही फंडा, लास्ट के 2 डिजिट और ये रिमेनिंग। ठीक, तो इसमें जो यूनिट डिजिट है 4, किसमें किसमें आता है? इसमें या तो 2 में आएगा या तो 10 माइनस 2 आपका 8 में आएगा। ठीक, ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं हम रिमेनिंग डिजिट को, देखो रिमेनिंग नंबर्स को। तो 125, 125 हमारा किसके किसमें बीच में आता है? 121 और आपका 144 के बीच में। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए ही है। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी बातें आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए ही है, और एग्जाम में भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर से ही आता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर से नहीं आता है। लेकिन मैं फिर भी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर से कॉन्सेप्ट उसका मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, लेकिन मेन चीज आपको यही सीखना है। ठीक, 125 जो है हमारा रिमेनिंग नंबर, ये आ गया 121 और 144 के बीच में, मतलब ये क्या हो गया? 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में। ठीक, तो मैंने क्या बोला, हमें हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है। तो टेंस डिजिट हो गया हमारा 11। ठीक, ये हो गया टेंस डिजिट। अब यूनिट डिजिट हमारा क्या है? 2 या 8। तो क्या करना है, इन दोनों का हमको प्रोडक्ट करना है। 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा भाइयों? 132। ठीक, अब 125 और 132 इसको कंपेयर करना है। रिमेनिंग नंबर हमारा क्या है? 125। ये हमारा प्रोडक्ट वैल्यू जो कि 132 है, इससे कम है, छोटा है। तो चूंकि ये छोटा है, तो इसलिए हम छोटा नंबर लेंगे। तो यहाँ यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 2। तो आंसर इज 112। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। एक बात का बिल्कुल एकदम विशेष ध्यान दीजिएगा, जो हम जो यहाँ कंपेयर करते हैं, हम अपने रिमेनिंग नंबर के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। हम हमेशा इसको बेस मान के हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको मेरा यह समझाया हुआ बताया हुआ आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह के और ट्रिक्स देखने के लिए और ट्रिक्स जानने के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और इसी तरह के ट्रिक्स वाली वीडियो आपके सामने मैं ला सकूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।